शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आँखों से खून निकल गया, ला दबाकर मारा गया। आज से करीब 12 दिन पहले यानी शनिवार 9 अगस्त 2024 की सुबह कोलकाता से एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर एक महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध ने सबको चौंका दिया। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब लेडी डॉक्टर के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसने सच में लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला दबाकर की गई थी। डॉक्टर लेडी का गला इतनी ताकत और बेरहमी से दबाया गया था कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें कितनी बेरहमी से मारा गया होगा। इस हत्या के पहले लेडी डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तो तब सामने आया जब डॉक्टर के शारीरिक आघात के निशान पाए गए। इससे यह साफ हो गया कि यह कोई साधारण अत्याचार का मामला नहीं था बल्कि यह एक दर्दनाक हत्या थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित स्थान पर इतना बड़ा घटना हो जाता है और किसी को कानों कान तक खबर नहीं होती है। उस रात डॉक्टर के साथ जो हुआ उसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाएंगे। इस पूरे घटना के पीछे कितने आदमी थे, क्या वह अकेला था या उसके साथ कई और लोग थे, इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली तक शेयर करें ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। तो चलिए जानते हैं आखिर उस रात हुआ क्या था। 8 अगस्त 2024 को हर दिन की तरह लेडी डॉक्टर अपनी नाइट शिफ्ट पर थी और वह अपनी जॉब कर रही थी। इस रात 11 बजे उन्हें अपनी माँ का फोन कॉल आता है। लेडी डॉक्टर की माँ पूछती है, तुमने खाना खाया और तबीयत कैसी है? जिसकी रिप्लाई में लेडी डॉक्टर बोलती हैं, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही हूँ, उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाऊंगी। अपनी माँ से कुछ देर बात करने के बाद लेडी डॉक्टर पेशेंट्स को देखने निकल जाती हैं और पेशेंट्स को देखते देखते करीब रात के 2 बज जाते हैं। उसके बाद लेडी डॉक्टर अपने दोस्तों के साथ जाकर कैंटीन में खाना खाती हैं और आपस में कुछ बातचीत भी करती हैं। खाना खाने और बातचीत करने में करीब 1 घंटा हो जाता है यानी रात के 3 बज जाते हैं। तभी लेडी डॉक्टर कुछ थकान सी महसूस करती हैं। अपनी थकान को दूर करने के लिए लेडी डॉक्टर हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करती हैं। रेस्ट करते करते सुबह के 7 बज जाते हैं, जो भी काफ़ी अनयूजुअल था क्योंकि लेडी डॉक्टर 30 से 40 मिनट से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल में काम करने वाला एक वर्कर सुबह होने पर हॉस्पिटल में आता है और हर दिन की तरह हॉस्पिटल के सारे रूम को चेक करने लगता है। और ऐसे ही चेक करते करते वह 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल में पहुंचता है और वह जैसे ही सेमिनार हॉल के बाहर आकर गेट खोलता है तो उसकी आंखों के सामने एक दिल दहला देने वाला नज़ारा होता है। इसे देखकर वह जोर से चीख पड़ता है। इस आवाज़ को सुनकर हॉस्पिटल के सारे वर्कर्स वहां जाते हैं और ये लोग वहां जाकर देखते हैं कि लेडी डॉक्टर का बॉडी बिना कपड़ों के पड़ा हुआ है और उसकी बॉडी पे ब्लड के निशान भी हैं। यहां खड़े सभी लोग इसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कुछ लोग तो इसे देखकर सदमे में चले जाते हैं क्योंकि ऐसी चीज को पहली बार देखकर कोई भी इंसान डर जाएगा, वो भी हॉस्पिटल में, जो कि बेहद ही शर्मनाक बात थी। लेकिन कुछ लोग हिम्मत दिखाते हैं और तुरंत स्ट्रेचर लेकर आते हैं और उस पर लेडी डॉक्टर को लेटाकर तुरंत इमरजेंसी रूम की तरफ जाते हैं ताकि लेडी डॉक्टर की कुछ हेल्प हो सके। लेकिन जब वे उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं और फिर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। अस्पताल में कुछ लोग ऐसे थे जो इसे सामान्य अपराध की तरह दिखाना चाहते थे ताकि वे इस अस्पताल का नाम बचा सकें। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सारी बात पानी की तरह साफ हो जाती है। यह कोई नॉर्मल अत्याचार का मामला नहीं था क्योंकि लेडी डॉक्टर के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने की कोशिश की गई थी और जब वे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगीं तो उनका गला दबा दिया गया और फिर उन्हें बहुत ही बेरहमी से पीटा गया। इतने सारे सबूत मिलने के बाद ये सारा केस पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस इन दरिंदों को ढूंढने में लग जाती है और क्राइम सीन को पूरे अच्छे तरीके से जांच करती है तो उन्हें वहां पर लेडी डॉक्टर के नेल्स और ब्लड सैंपल्स मिलते हैं।
और साथ ही एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है, ये केस बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता। लेकिन इस सेमिनार हॉल के आसपास कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। लेकिन जिस रास्ते से इस फोर्थ फ्लोर पर जाया जाता था उसके गेट पर एक कैमरा लगा हुआ था। तो पुलिस जल्दी से जाकर सुबह 3 बजे से 8 बजे के बीच का रिकॉर्डिंग चेक करती है कि इस रास्ते से आखिर कितने लोग ऊपर गए हैं और नीचे आए हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस को यह पता चला कि कुल 6 लोग उस फ्लोर पर आए और गए थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इन सभी 6 लोगों को एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में उनसे पूछा गया कि वे उस समय वहां क्यों मौजूद थे और क्या उन्हें वहां कोई अजीब चीज थी। इस दौरान पुलिस ने उनके फोन का ब्लूटूथ भी ऑन करवाकर चेक किया ताकि यह पता चल सके कि जो ब्लूटूथ मिला था वो कहीं इनमें से किसी का तो नहीं है। पुलिस का यह तरकीब काम आया और संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो गया। संजय रॉय एक सिविल वॉलंटियर के तहत काम करता था और छोटे मोटे कामों में मदद करता था। अब पुलिस को अपना पहला संदिग्ध मिल चुका था, इसलिए उन्होंने संजय रॉय से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन संजय पुलिस के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वह अत्यधिक नशे की हालत में था। पुलिस ने उसका फोन भी चेक किया जिसमें उन्हें काफी मात्रा में पोर्नियोग्राफिक वीडियो मिली। इससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि संजय ही लेडी डॉक्टर के साथ हुए अपराध का मुख्य आरोपी हो सकता है। पुलिस ने संजय रॉय को और ज्यादा डराना शुरू कर दिया और आखिरकार संजय ने डरकर अपनी गलती मान ली कि उसने ही लेडी डॉक्टर की हत्या की थी और उसका शारीरिक शोषण किया था। यह पता चलने के बाद पुलिस ने और सबूत इकट्ठा करने के लिए संजय रॉय के घर की तलाशी ली, जहां उन्हें एक जूता मिला जिस पर खून के धब्बे थे। बाद में पुलिस ने उस जूते पर लगे खून के धब्बों की जांच करवाई जो लेडी डॉक्टर के खून से मैच हो गए। ये संजय के खिलाफ एक ठोस सबूत था। इन सभी रिपोर्ट्स और सबूतों को मिलाकर पुलिस ने पाया कि उस रात संजय रॉय अत्यधिक नशे में था और रात 11 बजे अस्पताल में दाखिल हुआ था। संजय अक्सर अस्पताल में नाइट शिफ्ट करता था, इसलिए उसे यह अच्छी तरह पता था कि कहां पर कैमरा है और कहां नहीं। वह आराम से अस्पताल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ गया ताकि कोई उसे नशे की हालत में न देख सके, नहीं तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। 4th फ्लोर पर पहुंचकर वह सो गया और जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 3 बजे थे। तभी संजय की नजर लेडी डॉक्टर पर पड़ी जो रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल जा रही थी। लेडी डॉक्टर को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ गए। वह पहले काफी देर तक फ्लोर पर चक्कर लगाता रहा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसे देख ना ले। जब उसे यकीन हो गया कि रास्ता साफ है तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल में घुस गया और 4:45 पर बाहर निकला। इन 45 मिनटों में संजय ने लेडी डॉक्टर के साथ जो किया होगा उसे सोचकर किसी का भी दिल सहम जाएगा, खासकर लेडी डॉक्टर के माता पिता का जिन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए कितने सपने देखे थे। लेडी डॉक्टर अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उनके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है और संजय रॉय को 23 अगस्त तक कस्टडी में रखा जाएगा। इस हत्यारे के साथ क्या होना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस केस से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।